नोटबंदी के बाद जहां एक तरफ कालाधन खत्म करने की सरकार की कोशिश थी, वहीं दूसरी तरफ नए नकली नोटों का फिर से छपना भी उतना ही पाया गया। देश में बढ़ती बेरोजगारी में कुछ लोग मेहनत करके भी गुजर बसर नहीं कर पाते हैं, वहीं कुछ लोग बिना मेहनत किए ही आरामदायक जिंदगी जीने का गलत तरीका निकाल ही लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक क्षेत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ खुलेआम नकली नोटों का काम कई समय से चल रहा था। मथुरा जनपद के गोविंद नगर थाने क्षेत्र में 500 और 2000 के नकली नोट छापे जा रहे थे। पुलिस ने गोविंद नगर थाने क्षेत्र के आसपास एक मकान में छापेमारी की। उन्होंने 3 युवकों को नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि यह सूचना पुलिस के पास गुप्त थी। उन्हें यह सूचना मिली कि कुछ युवक गायत्री तपोभूमि के पीछे किसी मकान में नकली 500 और 2000 के नोटों को छापकर कालाबाजारी कर रहे हैं। पुलिस को आरोपी के पास से एक कलर प्रिंटर, 500 व नकली 2000 के नोट भी मिले। इसी प्रिंटर से वह नकली नोट छापने का काम कर रहे थे। नकली नोट की कीमत 3,12,000 बताई जा रही है। SP अशोक कुमार मीना ने बताया कि आरोपी कैलाश उर्फ पपुआ, महेश कुमार उर्फ लाखन और हसीन को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 लोग फरार हैं। पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश में जारी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।